छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सड़कों के बीच खड़े इन पिलरों को अपने पूरे निर्माण का इंतजार करते करते लगभग 3 साल बीत गए। और सिर्फ 3 साल ही नहीं बीते बल्कि ये छाती चौड़ाकर इस बात का भी बखान कर रहे हैं कि आखिर किस तरह आम जनता को निचोड़कर जमा की गई सरकारी रकम बर्बाद की जाती है। आपको बता दें कि रमन सिंह की महत्वाकांक्षी परियोजना स्काई वॉक के लिए 2016 में लगभग 43 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस कंपनी को ये निर्माण 8 महीने में पूरा करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे इसकी लागत 77 करोड़ तक पहुंच गई। स्काई वॉक के अब तक के काम का बड़ा भुगतान भी अटका हुआ है जिसका मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर पिछली सरकार पर हमला बोलने से नहीं चूक रही। वहीं इसे लेकर गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा भी इसे तोड़ने के अलावा इसे कोई और उपयोग में लेने की बात कह रही हैं। नहीं रही, स्काई वॉक एक मंत्री की हठधर्मी और अपने ऊपर के आला नेताओं को खुश करने के लिए स्काई वॉक किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए स्काई वॉक का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किया जा रहा था, जिसके लिए वहाँ की जनता भरपूर विरोध कर रही थी। लोग सिग्नेचर कैंपेन से लेकर सब हस्ताक्षर अभियान और अलग अलग तरीके के आंदोलन लोगों ने किया, हम उनके साथ में खड़े थे और हम लोगों ने भी इसका विरोध किया। अब जब स्काई वॉक में जनता का पैसा लग चुका है, अभी नई कमेटी बनी है, उस कमेटी में हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं और राय मांगी गई कि इस स्काई वॉक का आखिर करना क्या है, जो स्ट्रक्चर खड़ा है। तो स्काई वॉक में जो पैसा लगा वो जनता का पैसा लगा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो इसीलिए उसको तोड़ने की सहमति हम लोगों ने किसी ने नहीं बनाई। और उसका कैसे उपयोग कर सकता है उसको लेकर समिति ने अपनी राय, अपने सुझाव पार्टी लीडरशिप को और चीफ को दे दिए ताकि इसमें एक अच्छा कोई रास्ता निकल कर इसको अच्छे से स्थापित किया जाए। कई वाक की जो पीछे जो कहानी है वो बड़ी भयावह कहानी है। स्काई वॉक की योजना जो बनाई, जिस किसी ने बनाई होगी, बिना सोचे समझे, बिना डिमांड को जाने बिना, बिना सर्वे किए योजना स्काई वॉक की योजना बन गई, जो कि वर्तमान में हम लोगों की नज़रों में कभी उपयोगी दिखाई नहीं देती। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर चुकी राशि, ये लोकधन है, लोकधन का अपव्यय किसी की मत में कोई नहीं मत करे, ये भी एक सिद्धांत है। अब इसको तोड़ा जाएगा तो सरकारी पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। इन दिनों सड़कों के बीचों बीच खड़े इस कंक्रीट के पिलर को देखकर लोगों के मन में भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पहले जनता के करोड़ों रुपए का पैदल पुल और अब अधूरे निर्माण के बीच खड़े पिलर में पौधारोपण की योजना। वैसे अब बीजेपी इस रुके हुए काम को लेकर सरकार को घेरने से नहीं चूक रही। का पैसा है और पब्लिक के पैसे का 60% उपयोग हो चुका है, आज इसको एक फेज चालू करें, आधा फेज चालू करें, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को जोड़ने का काम चालू करें, पहले प्रारंभ करें, उसका उपयोग करके धीरे धीरे इसको प्रयोगात्मक प्रयोग में लाना पड़ेगा आपको, और ये आवश्यकता इस शहर की है इसलिए इस पर काम किया। उधर नगर निगम ने इस ढांचे का एक अनोखा उपयोग करना शुरू किया है और वो इसमें पौधारोपण करवा रहा है। फिलहाल कुछ पिलरों में छोटे मोटे पौधे भी लगा दिए गए हैं। उनकी कमी हो रही है, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर कुछ कुछ आप देखेंगे, मैंने अभी एक दो जगह मैंने वॉल खड़ी की है, तो ऐसी कई सारी वॉल मैं वहाँ पर खड़ी करूंगा। अभी उसके ठेके चल रहे हैं, टेंडर चल रहे हैं, मैंने खाली एक प्रोसेस के तहत अभी 2 ढंग वॉल को मैंने वहाँ बनाया है, मगर बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हर वॉल में वो दिखेगा, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि वो टूटे ना, अगर टूट जाता तो फिर हमारा पैसा खराब जाता, मगर अब कमेटी ने निर्णय ले लिया है कि वो नहीं टूटेगा, स्काई वॉक जैसा है वैसे ही रहेगा। स्काई वॉक में कोई भी कमर्शियल चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आने वाले समय में जिसमें लोगों के इस्तेमाल में हो, जैसा भी होगा वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा, मगर ये बात निर्णय हो गया कि स्काई वॉक नहीं टूटेगा। पहले निर्माण कार्य को रोकना, फिर नई कमेटी बनाकर इसकी जांच करवाना और बिना कोई फैसला लिए पिलरों में पौधा रोपण करना, कुल मिलाकर स्काई वॉक को लेकर खुद सरकार भी कंफ्यूज नजर आ रही है। यकीन मानिए, ये पुल नहीं शहर के विकास का वो फार्मूला है जो पिछली सरकार ने रचा था। विपक्ष में बैठी कांग्रेस तब सवाल उठाती रहती थी कि इस पुल में एक बड़ा घोटाला है, इतने सवालों के बाद भी इस पुल के खंभे हिले तो नहीं, मगर सियासत में दोनों ही पार्टियों की सांसें जरूर फूल गई हैं कि इस पुल को लेकर आखिर किया क्या जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।